I think we are live now. So first chapter is matter. Matter anything which occupies space and has mass. Matter क्या होगा? जो स्पेस को क्या करेगा, थोड़ा बहुत स्थान को क्या करेगा, घेरेगा, और उसके पास अपना क्या होगा, मास होगा। तो आज का होमवर्क में बताना है नीचे कमेंट में कि एक तो होता है मास, एक होता है वेट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ये टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि जो बचपन में पढ़ के आए हो 6th, 7th, 8th में, उससे आगे की चीज़ को हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे सामने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अर्लियर इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट एज एयर, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर इज कॉल्ड पंच तत्व। ये हम पहले से अपने धर्म में, हमारे में काफ़ी मान्यता ये चीज़ रही है कि जो भी हमारे पास मैटर है ना, उसको हमारे जो पुराने दार्शनिक रहे हैं उन्होंने उस मैटर को 5 तत्वों में बांटा गया है ना। कौन कौन सी हो सकती है? पृथ्वी हो सकती है, अग्नि हो सकती है, स्काई आकाश हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है ना। हो गया ना 5, 1, 2, 3, 4 और 5। पूछा जा सकता है कि 5 तत्व कौन से होते हैं? जो हमारे इंडियन फिलोसफर, जो हमारे भारतीय दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने मैटर को क्लासिफाइड किया है 5 तत्वों में। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो वायु होती है, पृथ्वी होती है, आग होती है और आकाश होती है। इनको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। अब आगे चलेंगे पॉइंट नंबर 2, नोट करना है आपको। इनकी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में या ग्रुप में तुमको दे दी जाएगी, ठीक है। केवल इसको यहाँ पर ध्यान से समझना है जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर हम फिजिकल स्टेट देखें, है ना, हमारे पास, हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वहाँ पर हमको तीन स्टेट हमको नज़र आएंगी। कौन कौन से स्टेट नज़र आएंगी? एक तो हमको सॉलिड नज़र आएगा, एक हमको लिक्विड नज़र आएगा, एक हमको गैस नज़र आएगा। बात समझ में आई? कोई भी मैटर जो हमारे आसपास है, हालांकि अब 5 और 6 स्टेट आजकल मानी जाती हैं, बट इन योर सिलेबस यू डिस्कस ओनली 3 स्टेट विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, ठीक है। हमारे आसपास जितना भी मैटर हमको नज़र आता है, ये हम इसको केवल 3 चीज़ों में देख पाते हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है? सॉलिड होता है। हमारे पास क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है। हमारे पास क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन द मैटर इज क्लासिफाइज एट द प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। ये चीज़ ध्यान रखने की बात है। यहीं पे एक चीज़ पढ़ते हैं, द प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट और कंपाउंड। ये चीज़ काम किया है, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। देखो, अगर मैं फिजिकल स्टेट के बेस पर इसका क्या करता हूँ, क्लासिफिकेशन करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि मैटर हमारे पास क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है। मैटर हमारे पास क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है। मैटर हमारे पास क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। मैटर हमारे पास क्या क्या हो सकता है? मैटर हमारे पास सॉलिड हो सकता है। मैटर हमारे पास लिक्विड हो सकता है। मैटर हमारे पास क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। एक तो हो सकता है कि वो हमारे पास प्योर सब्सटेंस हो, एक हमारे पास क्या हो सकता है? मिक्सचर हो। प्योर सब्सटेंस से मतलब जैसे शुगर देखते हो, है ना, जैसे क्या देखते हो? शुगर देखते हो, वो क्या प्योर सब्सटेंस है, और शुगर के अंदर मैं कुछ सॉल्ट मिला दूँ तो वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। देखो, अभी 2 चीज़ आती हैं, एक तो हमारे पास है प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट और कंपाउंड। देखो, ये 2 चीज़ हैं, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्सचर और एक यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ समझने की कोशिश करो। देखो, मेरे पास एक कंपाउंड ए अलग से ले लेता हूँ और एक मेरे पास कंपाउंड है बी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मेरे पास एक है ए और एक है मेरे पास बी। मैं दोनों को अगर मिक्स करता हूँ, अगर मैं ए और बी को मिक्स करता हूँ और मैं जो मिक्स कर रहा हूँ ना, उसमें रोशो अगर मैंने फिक्स लिखा हुआ है, अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिला रहा हूँ और वो रेशो मैं कैसे ले रहा हूँ, फिक्स ले रहा हूँ, तो उसको बोलूँगा मैं कंपाउंड। और मैं 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को अगर मैं मिला रहा हूँ और रेशो मेरा फिक्स नहीं है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? मिक्सचर बोलूँगा। बात समझ में आई? अगर मैं 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिला रहा हूँ और मेरा रेशो फिक्स है, तो उसको क्या बोलूँगा? कंपाउंड। और रेशो फिक्स नहीं है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? मिक्सचर। तो मिक्सचर में भी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर को हिंदी में बोलेंगे सामांगी मिश्रण,
और हेट्रोजीनियस को क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। तो इसको ध्यान से समझो, देखो जब भी हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे, मतलब किन्हीं दो चीज़ों को अगर हम इस तरीके से मिला रहे हैं कि उनमें डिफरेंस हम नहीं कर सकते कि कौन सा किसका पार्टिकल है, कौन सा किसका पार्टिकल। देखो ऐसे समझो, एक बार मैंने होमोजीनियस मिक्सचर जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, इसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कौन किस तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, सपोज करो मैंने शुगर को वाटर के अंदर मिलाया, शुगर को वाटर के अंदर मिलाया और पूरा का पूरा मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया, मतलब घोल दिया। शुगर को वाटर के अंदर मिलाने के बाद मैंने पूरा का पूरा उसको क्या कर दिया, उसको पूरा का पूरा कम्प्लीटली क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। तो अगर शुगर वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो रहा है ना, तो वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। बात समझ में आ रही है, अगर शुगर पूरा का पूरा कम्प्लीटली डिसॉल्व हो रहा है तो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, और कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा तो क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब सपोज करो इस बार मैंने ना रेत ले लिया है, बालू रेत ले लिया है, बालू रेत को मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, तो क्या बना है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना है। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा कौन कौन सा, इंडियन फिलोसफर के बेस पर यहाँ पे पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर यहाँ से पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर यहाँ से पढ़ा है, प्योर सब्सटेंसेस मे बी एलिमेंट और कंपाउंड, मिक्सचर मे बी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टिनी, है ना। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर हमारा क्या हो सकता है, हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मतलब कोई भी मैटर है ना, कोई भी मैटर है ना, मतलब सॉलिड लिक्विड और गैस, वो हमारा किस किस से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे से पार्टिकलों से मिलकर बना होगा। दीज पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टिनी, मतलब ये बहुत कैसे होंगे, वो छोटे होंगे। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब जो हमारा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना है, उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पेस आ रहा होगा, थोड़ा बहुत स्पेस भी तो होगा उनके बीच में। अगर छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जाते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है इसकी बात कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे यहाँ पर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं 1 2 इस तरीके से इस कंटेनर के अंदर, है ना। इस कंटेनर के अंदर सपोज करो मैंने ना लिक्विड भरा हुआ है, ये वाटर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसके अंदर ये वाटर भी लिखा हुआ भी है। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, इनके बीच में जो स्पेस है, थोड़ा बहुत स्पेस है, ये चीज़ तो बता रहा है। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यहाँ चीज़ यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद ये कह रहा है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल ऑफ मैटर मतलब इस लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं, कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तब फिर आगे लिखा हुआ है द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल है ना छोटे छोटे, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में बेटा पूछे जाएंगे, तो सीधा सीधा याद रखना है। द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, फर्स्ट पॉइंट फिर से मैं बता दूँ, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, यहाँ तक ये पढ़ना है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टिनी, द पार्टिकल ऑफ मैटर मच स्पेस बिटवीन देम, एंड द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, एंड द पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, ये लिखा हुआ है द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीज़ हमको ऐसी कैसी क्या करनी है, याद करनी है। फिर आगे लिखा हुआ है द मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, एक्टिविटी यहाँ पे है, एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये कह रहा था एक्टिविटी टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड नोट इट्स लेवल, मतलब एक कंटेनर है ना, ये वाला कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या करना है, थोड़ा सा वाटर लेना है और उसमें वहाँ पे ना मार्क लगाना है, डिसॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, मतलब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा, ये मेरे पास ये क्या था, कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर मैंने थोड़ा सा शुगर लिया है और इसको मैंने ना हिलाना स्टार्ट किया है। भाई ये यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, इसके अंदर कंटेनर के अंदर मैंने वाटर लिया, वाटर के अंदर मैंने शुगर लिया और शुगर लेने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, डिसॉल्व करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है द सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, मतलब इसके अंदर मैंने शुगर, उसके अंदर मैंने क्या किया, सॉल्ट या शुगर जो भी मैंने लिया था वो डाल दिया है, बट वाटर का लेवल है ना ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ वाटर गेट इन टू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, दिस शोज दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ
पार्टी का, बात समझ में। अभी मैंने क्या बताया कि कोई भी मैटर है ना वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना होगा और उन पार्टिकलों के बीच में भी ना स्पेस होगा। अब जैसे ही मैंने शुगर को डाला किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वाटर के मोलिक्यूल के अंदर जो थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ था उसके अंदर उस शुगर के मोलिक्यूल जाके छुप गए, जिसकी वजह से इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर सभी बीकर के अंदर देखो वाटर का लेवल कैसा है, एक है। तो देखो इस वाले सबसे लास्ट वाले स्ट्रक्चर की बात करो जिसके अंदर रोड अंदर डली हुई है, ये वाली जो रोड अंदर डली हुई है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाली जो रोड अंदर डली हुई है यहाँ भी वाटर लेवल इक्वल है और इसके फर्स्ट वाले के अंदर भी देखो। तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे ही मैं NaCl के मोलिक्यूल इसके अंदर डालूंगा तो NaCl के जो मोलिक्यूल होंगे वो वाटर के मोलिक्यूलों के बीच में जाकर छिप जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। आगे चलेंगे, बी द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टिनी, ये बहुत छोटे होंगे, एक्टिविटी 2 है, डिजोल्व 2-3 ग्राम ऑफ द पोटेशियम पर मैग्नेट इन 100 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर। देखो मेरे पास ये वाला बीकर है, इस वाले बीकर के अंदर बात करूं मैं, इस वाले बीकर के अंदर क्या किया हुआ है मैंने, इस वाले बीकर के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, 100 ml क्या लिया हुआ है, 10 ml ऑफ सोल्यूशन डिसॉल्व इनटू 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। ये मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है ना, किसका सोल्यूशन है, पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है इस वाले कंटेनर के अंदर, ठीक है। और इस वाले कंटेनर के अंदर मैंने क्या लिया है, 10 ml वाटर के अंदर डाला है, फिर 100 ml वाटर के अंदर इसमें से निकाल के डाला है, फिर इसमें से निकाल के इसके अंदर निकाल के डाला है। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं 10 ml डाल रहा हूँ ना वाटर के अंदर तो फिर भी इसका कलर कैसा होता जा रहा है, ब्लू होता जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल होते हैं ना किसी भी मैटर के, वो इतने छोटे होते हैं कि इतना हम सोच भी नहीं सकते, है ना, हमारी सोच से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। ये लिखा हुआ है, इट टेक 10 ml ऑफ द सोल्यूशन डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, रिपीट दिस प्रोसेस 5x6 टाइम दिस सो दैट द फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट कैन कलर ऑन ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर बिकॉज देर आर मिलियन ऑफ टिनी पार्टिकल ऑफ ईच क्रिस्टल। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, आगे चलेंगे। आगे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर सी, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, है ना, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, एक्टिविटी टेक सम वाटर इन ए वीकर एंड नॉट इट्स लेवल डिजोल्व सम सॉल्ट। और ये तो वही बात है जो अभी पहले पढ़ा है ना, सेम वही है, उसी तरीके से इसको देख लेना एक बार, ये PDF इसको नीचे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये लिखा हुआ था पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, एंड अब हमको कैसे पता चलेगा, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब कोई भी मैटर है और उस मैटर के अंदर थोड़े से पार्टिकल हैं, अब वो पार्टिकल कंटिन्यू क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। अब हमको ये कैसे पता चलेगा, और उसको एक्टिविटी से समझने का प्रयास करते हैं। एक्टिविटी हमारे पास, टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली, है ना, ये मैंने एक वाटर लिया है, ये मैंने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के अंदर एक ड्रॉप मैंने डाल दी है किसकी, ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड ऑफ द बीकर, मतलब साइड से नहीं डालनी है हमको, बीच में मैंने इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या लिया हुआ है, वाटर लिया है, इस वाटर के अंदर मैंने एक दो ड्रॉप किसकी डाल दी है, ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड ऑफ द बीकर, है ना, साइड से ना डाल करके केवल बीच में मैंने इसको क्या किया है, डिप किया है, लेवल इट अंडरस्टैंड अलोंग द साइड ऑफ द बीकर, लीव इट अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्यू आवर, मतलब ऐसा करने के बाद मैंने इसको ना छोड़ दिया कुछ देर बाद, तो मैं कुछ देर बाद देखूंगा कि सारे में फैल जाएगा, है ना। द इंक स्प्रेड ओनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर एंड इंक, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ द मैटर ऑन देयर एंड इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना, इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। मतलब एक मैंने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर क्या था, वाटर था, उस वाटर के अंदर मैंने क्या किया, इंक को डाल दिया, अभी इंक को डालने के बाद मैंने कुछ देर तक उसको रखे रखा है, तो इंक क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी चारों डायरेक्शन में, है ना, चारों तरफ ये चीज़ क्या होगी, फैल जाएगी, ये वाली इंक, ये चारों, ये यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, चारों डायरेक्शन में क्या होगी, ये फैल जाएगी, जिसको मैं क्या बोलूँगा, डिफ्यूजन बोलूँगा। देखो यहाँ देख रहे होगे, है ना, ये गैस मोलिक्यूल है कंटेनर के अंदर, माना सपोज करो एक हमारे पास एक रूम है, रूम के अंदर मैं परफ्यूम को थोड़े परफ्यूम की शीशी को मैं क्या करूँ, खोल दूँ, है ना, तो उसकी स्मेल पूरे रूम में हो जाती है ना। तो ये क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, है ना, स्पेस में थोड़ा सा मैंने हवा में इत्र को थोड़ा सा छिड़का तो मैं देखूंगा रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक उसकी स्मेल चली जाती है ना। नेक्स्ट है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब किसी भी मैटर के जो पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लिखा हुआ, एक्टिविटी टेक एन आयरन नेल पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग कटिंग और स्ट्रेचिंग
इट इज मोर इजियर टू ब्रेक द चॉक है, लेस इजियर टू ब्रेक द रबड़ बैंड, है ना। ये कह रहा है कि चॉक को तोड़ना बहुत आसान होगा, है ना, इन कंपेरिजन टू रबड़, है ना। डिफिकल्ट टू ब्रेक आयरन नेल, है ना, आयरन को तोड़ना बहुत ज़्यादा क्या होगा, कठोर होगा हमारे लिए। हमारे पास एक तो हमारे पास चौक है, एक हमारे पास क्या रबड़ है, और एक हमारे पास क्या आयरन मतलब लोहा है, है ना। इन तीनों में से अगर हम तोड़ेंगे तो सबसे जल्दी कौन सा तो टूटेगा, जो हमारे पास क्या होगी, चौक होगी, फिर उसके बाद रबड़ होगी, फिर उसके बाद क्या होगी, हमारे पास आयरन होगा। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द आयरन नेल आर हेल्ड टूगेदर ग्रेटर फोर्स देन द रबड़ बैंड ऑफ द चौक। देखो जैसे एक का पार्टिकल तो दूर दूर हो रहे हैं, ये इस वाले इसके अंदर तो दूर दूर है, और यहाँ बिल्कुल ही चिपके हुए हैं, तो आयरन के जो पार्टिकल होंगे ना तो वो तो इसकी तरह होंगे, इसकी तरह होंगे। इस वाले स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना, ये वाला फर्स्ट है ना, ध्यान से देखो, मेरा कर्सर दिख रहा होगा, आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है, तो इसमें पेन की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है ना, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो थोड़ी सी और इफेक्टिव बनाने की कोशिश की जाएगी उसको, तो अभी इसको समझना है। देखो इसके अंदर पार्टिकल बहुत क्लोज हैं, तो आयरन के अंदर होंगे, है ना, इसके अंदर गए दूर दूर हैं, तो जिसके पार्टिकल जितने ज़्यादा क्लोज होंगे, और जिसके पार्टिकल जितने ज़्यादा क्लोज होंगे सेम इनकी तरह, ठीक है, सेम इनकी तरह, जिसके पार्टिकल जितने ज़्यादा क्लोज होंगे सेम इनकी तरह, उसके बीच में फोर्स उतना ही स्ट्रांग होगा, और जिसके बीच में फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिसके बीच में फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना ही, वो उतनी ही ज़्यादा कठोरता से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। आगे चलेंगे, स्टेट ऑफ मैटर, है ना, द मैटर एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट, देर आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। NCERT पर बेस्ड PPT और PPT को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई थिंक इट इज़ वेरी इजी मेथड फॉर यू। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, ये हमको आ गया, ऐसा कैसे ही पैटर्न लर्न करनी है, दिमाग में रखनी है ये बात, जो समझ में ना आए वो डाउट ग्रुप में पूछना है पर्सनल नंबर पर मैसेज करके, है ना। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इस वीडियो को देख रहे हो ना तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना इसको जरूर दबा देना, ताकि तुम्हें क्लास वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम, द सॉलिड हैव डेफिनेट, फिर आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो तुरंत ही पहुंच जाएगा। द सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम एंड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, सॉलिड की प्रॉपर्टी है, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होगी, उसका फिक्स वॉल्यूम होगा, एंड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, मतलब ये सॉलिड है, ये वाला सॉलिड है ना, इसके बीच में देखो ये यहाँ पे ब्रिक ली हुई है, ये वाली, ये यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिक ली हुई है, ब्रिक को थोड़ा जूम करके दिखाया, तो इसके अंदर पार्टिकल है ना वो ऐसे आ गए चिपके हुए, मतलब उनके बीच में ना स्पेस नहीं है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, इनके इन पार्टिकलों के बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत कैसा होगा, वो मिनिमम होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देखो अगर ये वाला स्पेस है ना, ये मिनिमम है ना, तो याद रखना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये दूर दूर होंगे, सिंपल सी बात है। अरे कोई भी दो चीज़ है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो पास पास होगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो दूर दूर होंगे। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मूवमेंट तो इनका कम से कम ही होगा। मूवमेंट इनका कब होगा, मूवमेंट इनका जब ज़्यादा होगा, जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, बात समझ में आई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इनका जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, हमारा बहुत ही कम होगा। दे आर लीस्ट कंप्रेसेबल, मतलब इसको नहीं दबाया जा सकता कम, क्योंकि पार्टिकल पहले से ही जगह घेरे हुए हैं, ये वाले जो पार्टिकल हैं ये पहले से क्या किए हुए हैं, अपनी जगह को ऑक्यूपाइड किए हुए हैं, तो इसीलिए इसको नहीं दबाया जा सकता। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लेस्ट, बता सकते हैं क्योंकि पार्टिकलों के बीच में जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, तो इसको इतना ज़्यादा तोड़ना फोड़ना भी आसान नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, देखो सारी की सारी नोटबुक में ऐसी की ऐसी नोट करनी है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल एक एक प्रॉपर्टी को ऐसे ही समझाता चल रहा हूँ। द लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, द लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना, लिक्विड के पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, बट उनके पास जो है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, उनके पास क्या होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, ये चीज़ हमको याद रखनी है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखेंगे, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, ये पढ़ लेना आराम से आ जाएगी समझ में। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, मतलब ये बात जो कर रहा है ना, ये बात कर रहा है कि ये सब चीज़ें जो इसकी अधिकतर प्रॉपर्टी होंगी ना, ये गैस और सॉलिड के बीच की होंगी, गैस और सॉलिड के बीच की होंगी। दे आर लेस कंप्रेसेबल, ये देखो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम,
इस स्ट्रक्चर की, यहाँ पे हमने एक बोतल ली हुई है, बोतल के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं सेम इसकी तरह जुड़े हुए हैं, तो उन पार्टिकलों के बीच में जो फोर्स है ना वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम फोर्स है, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है थोड़ा कम फोर्स है, और सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम फोर्स है तो दोनों का डिस्टेंस कैसा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? उसके बाद आगे चलेंगे बाद हम देखेंगे। ये तो रही प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ गैस। यहाँ देखो ये बैलून लिया हुआ है हमने इसके अंदर, है ना, बैलून के अंदर अगर हम देखें तो बैलून के अंदर देखने पर हमको पता चलेगा, क्या पता चल रहा है देखो, कि ये जो पार्टिकल है ना ये बहुत दूर दूर हो गए, मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो अब हमारा कैसा हो गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में हमारा बहुत बहुत ही कम हो गया है, जिसकी वजह से गैस हैव नो डेफिनेट शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस इन द कंटेनर। मतलब कोई भी कंटेनर के अंदर अगर मैं गैस को ले लेता हूँ तो गैस के पार्टिकल जो होगा वो उड़ उड़ के उनके पास पहुँच जाएंगे, है ना, गैस के पार्टिकल जो होंगे वो उड़ उड़ के उनके पास पहुँच जाएंगे, वो क्या कर लेंगे पूरे के पूरे एटमोसफेयर को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, मतलब गैस के अंदर जो पार्टिकल है ना, इसके अंदर जो पार्टिकल है ना, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, हमारा मैक्सिमम होगा, ये चीज़ हमको पढ़नी है। उसके बाद आगे चलते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, होगा ही सिंपल सी बात है, अगर सॉलिड वाला डिटेल में समझ लिया होगा तो ये पढ़ना तो आसान है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, ये पढ़ सकते हो। दे आर मोस्ट कॉम्प्रेसिबल, है ना, इनको दबाया जा सकता है क्योंकि पार्टिकलों के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैप है ना, इसलिए इसको दबा सकते हैं। द रेट ऑफ द डिफ्यूजन इज मोर देन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड्स, है ना, तो ये पढ़ लेना आराम से। देखो ये हमारे पास गैस के पार्टिकल हैं, यहाँ पे लिक्विड दिया हुआ है ये वाला, ये हमारा सॉलिड दिया हुआ है, सॉलिड को देखेंगे बड़े सिस्टमेटिकली इनको अरेंज किया हुआ है, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा गैप दे दिया गया है, गैस में पार्टिकल क्या हुआ है सारे में फैल गए हैं, ठीक है। यहाँ सॉलिड दिखा हुआ है, इसके अंदर बात कर रहा हूँ, देखो सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आकर चिपके हुए हैं, है ना, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर हो गए हैं, गैस में और ज़्यादा दूर हो गए, बात समझ में। देखो सॉलिड के अंदर फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है तो दोनों आपस में चिपक गए हैं, है ना, लिक्विड के अंदर फोर्स थोड़ा सा कम है तो थोड़े दूर दूर फैल गए, गैस के अंदर थोड़ा सा बहुत कम है तो और दूर दूर फैल गए। देखो सॉलिड के अंदर बहुत नज़दीक नज़दीक है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, सॉलिड के बीच में कोई स्पेस नहीं है तो उसको नहीं दबाया जा सकता, बट लिक्विड के अंदर स्पेस है तो उसको दबाया जा सकता है। गैस के अंदर कोई स्पेस नहीं है, गैस के अंदर कोई भी स्पेस नहीं है, इसीलिए हम गैस को क्या कर सकते हैं, गैस को नहीं दबा सकते, तो ये चीज़ हमको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, उसके बाद क्या चलते हैं, आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद हमको पता चलेगा। देखो यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉलिड लिखा हुआ है, सॉलिड में हम क्या देख रहे हैं, सॉलिड को देखो ध्यान से, देखो सॉलिड को देखो, सॉलिड में किस तरीके से लिखा हुआ है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर पार्टिकलों के बीच देखो यहाँ बिल्कुल टिनी पार्टिकल है, मतलब बहुत छोटे छोटे स्पेस नज़र आ रहे हैं, लिक्विड के अंदर ये वाइट वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और गैस के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, ये गैस के अंदर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। आगे चलेंगे, चेंज ऑफ स्टेट, व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड, मतलब किसी भी, मतलब अब यहाँ पर फिजिकल जो स्टेट होगी उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे, फिजिकल स्टेट को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, अब ये चीज़ देखने वाली है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इट चेंज इनटू लिक्विड, अगर किसी भी सॉलिड को मैं क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस टू गैस, ये भी देखते हो, अगर मेरे पास कोई सॉलिड है ना उसको मैं गर्म करूँगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, इस वाली लाइन का मतलब समझो। व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इट चेंज इनटू लिक्विड, किसी भी सॉलिड को मैं गर्म करूँगा तो किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा। जैसे सपोज करो आईसी ले लूँ मैं, है ना, इसको क्या करता हूँ थोड़ा गर्म करता हूँ तो वो लिक्विड में चेंज होगा, और लिक्विड को फिर से गर्म करता हूँ, मतलब बर्फ़ से, बर्फ़ को रखा थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो वाटर में चेंज हुआ, वाटर को फिर से गर्म किया तो वो चेंज हो गया किसके अंदर, इट चेंज इनटू गैस, गैस के अंदर चेंज हो गया। उसके बाद ये कह रहा है व्हेन ए गैस इज कूल्ड इट चेंज इनटू लिक्विड, है ना, अगर गैस है कोई भी वेपर है उसको मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ठंडा कर रहा हूँ तो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। जैसे किसी भी वेसल को लो, उसके अंदर हम वाटर को रख के गर्म करते हैं तो वो वेपर ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर किसी भी बर्तन को जब खाना बनता है तो ऊपर से हम उसको ढकते हैं तो वेपर उससे जाकर टकराती है, उससे जाकर टकराने के बाद वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, ये चीज़ याद रखनी है। मैंने लिक्विड इज कूल्ड
इट चेंज इंटू सॉलिड, है ना। अब जो हमारे पास लिक्विड बना है, मतलब किसी भी बर्तन को क्या किया, बर्तन में लिक्विड को क्या किया, गर्म किया, वो वेपर ऊपर गई, वेपर टकराने के बाद उससे हमने उसको किस में चेंज कर, लिक्विड में, लिक्विड को फिर से और ज़्यादा ठंडा कर रहे ना, कूल्ड इट चेंजेस इंटू सॉलिड, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड में। एग्जाम्पल, इफ आइस इज हीटेड इट चेंजेस इंटू वाटर, इफ आइस इज हीटेड, है ना, इट चेंज इंटू वाटर, इफ द वाटर इज हीटेड इट चेंज इंटू स्टीम, है ना, इफ स्टीम इज कूल्ड इट चेंज इंटू वाटर, इफ वाटर इज कूल इट चेंज इंटू आइस। ये सारी की सारी एक्टिविटी है बिल्कुल ऐसे कैसे ही, यहाँ पे क्या करना है, इसको लर्न करना है। सॉलिड स्टेट देखो, सॉलिड स्टेट में क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले एरो की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले एरो में क्या लिखा हुआ है, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले हीट की, इसको मैं क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, यहाँ पे देखो हीट किया तो सॉलिड किस में चेंज हुआ, लिक्विड में, और लिक्विड हीट किया फिर किस में चेंज हुआ, गैसेस स्टेट में। फिर नीचे वाले एरो की बात कर रहा हूँ, गैस से कूल किया तो लिक्विड, कूल किया तो फिर क्या बना, सॉलिड। ये हमारे पास क्या है, आइस है, ठीक है, आइस को क्या करता हूँ मैं, मेल्ट किया, है ना, ये सब इसका अपोजिट है, इसको पढ़ लेना थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद ये चीज़ है, चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर, ठीक है, आइस है भाई, ये यहाँ पे इस फर्स्ट वाले कंटेनर में आइस है, आइस को दिखा दिया गया है कि इसके बीच में जो पार्टिकल होंगे उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, आइस से यहाँ पे किस पर आ जाते हैं, वाटर पर आ जाते हैं, यहाँ पे अगर इस वाटर पर आ जाएंगे तो वाटर के देखेंगे तो यहाँ पे, यहाँ पे पार्टिकलों के बीच में स्पेस बिल्कुल भी कम नहीं था, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, थोड़ा सा बॉइल करेंगे तो किस में चेंज हो गया, ये स्टीम में चेंज हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे मेल्टिंग फ्यूज़न, है ना, मेल्टिंग क्या होता है, व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इनटू पार्टिकल्स बिगेन द वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड एंड बीम टू मूव मोर फ्रीली, ठीक है, देन ए पार्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड, देन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड। मेल्टिंग से मतलब क्या है कि भाई मेरे पास कोई भी सॉलिड है ना, किसी भी सॉलिड को अगर मैं गर्म करूँगा तो वो लिक्विड में कब चेंज होगा, कब चेंज होगा, उसका कुछ ना कुछ डेफिनेट टेम्परेचर होगा ना, जिससे ऊपर जाने पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी उसी प्रोसेस को, मतलब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में जब मैं चेंज करता हूँ तो उसको टेम्परेचर देता हूँ, जो टेम्परेचर मैं उसको दूंगा, जो टेम्परेचर मैं उसको दूंगा तो मैं उसको क्या बोलूँगा, क्या बोलूँगा उसको, जो टेम्परेचर मैं उसको दूंगा तो उसको बोलूँगा मैं मेल्टिंग पॉइंट। ये चीज़ याद रखना है। देखो यहाँ क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग में ना इसको छाप लेना, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, ये वाली लाइन, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कोई भी सॉलिड जिस पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, है ना, कोई भी सॉलिड जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए उसको क्या बोलूँगा मैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलूँगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज कितना होता है, 0 degrees Celsius और 273 Kelvin, है ना, 273 Kelvin, इंटरनेशनल यूनिट यहाँ पे दी हुई है, SI यूनिट यहाँ पे दी हुई है ना। लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, देखो ये चीज़ पढ़नी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आनी ही आनी है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kilogram ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये चीज़ याद रखना, अगर मेरे पास, मैं किसी भी सॉलिड को लेता हूँ, वो मैंने अमाउंट कितना लिया हुआ है, 1 gram लिया हुआ है, वो मैंने अमाउंट कितना लिया हुआ है, 1 gram लिया हुआ है, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है ना 1 gram, वो मैंने कितना लिया हुआ है, 1 kilogram लिया हुआ है, 1 kilogram सॉलिड को मैं लेता हूँ और उसको लिक्विड स्टेट में मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, 1 kilogram स्टैंडर्ड लिया हुआ है, 1 kilogram, मतलब ये बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है ना, पहले मेल्टिंग पॉइंट है ना, अगर इसी को ही मैं सॉलिड को ले लूँ 1 kilogram, तो 1 kilogram का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलूँगा। जैसे हमारा वाटर है ना, यहाँ वाटर का मैंने लिखा हुआ है टेम्परेचर, थर्मामीटर लगा के ये स्ट्रक्चर है ना, ये वाटर है, 0 degree Centigrade पे क्या है, जमा हुआ है, देखो यहाँ दिखता है, ये रेड कलर में दिख रहा है, मरकरी भरी होती है इसके अंदर, HG से मुझे याद आया कि HG ही एकमात्र ऐसी मेटल है जो हमारी लिक्विड स्टेट में होगी। देखो बॉइलिंग, जैसे जिससे बॉइलिंग का पता होगा, व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इट पार्टिकल बीम टू मूव इवन फास्टर, देन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बीम टू बॉइल एंड चेंज इंटू गैस वेपर, है ना। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, किसी भी लिक्विड को क्या कर रहा हूँ मैं, हीट कर रहा हूँ, इट्स पार्टिकल बिगेन टू मूव इवन फास्टर, है ना, तो उसके पार्टिकल थोड़ा जल्दी जल्दी मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब जल्दी जल्दी मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो किस में होने लगेगा, गैस में, गैस की वेपर में वो चेंज होने लगेगा।
बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, मतलब फेस पर होने वाला है ना, ये फेस है ना लिक्विड के ऊपर है ना, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, बिल्कुल ऐसा कैसा ही, इसको नोट करना है नोटबुक में और इसको दिमाग में छाप लेना है बिल्कुल, जिसको कोई डाउट रहे तो वो पूछ लेना। व्हेन ए लिक्विड बॉइल द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वाटर, मतलब किसी भी लिक्विड को अगर मैं क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ, किसी भी लिक्विड को अगर मैं बॉइल करना स्टार्ट करता हूँ, जब मैं उसको बॉइल करूँगा ना तो उसके जो पार्टिकल होंगे ना बल्क फेस के, वो किस में चेंज हो जाएंगे, उसकी वेपर फेस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, है ना, कोई भी वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाए इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, है ना, 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होगा, बॉइल होना स्टार्ट होगा, और उसको केल्विन में मैं चेंज करूंगा तो 273 इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा 373, है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको पढ़ लेना, बिल्कुल सेम इजी है, आसान है, ये यहाँ पर डिटेल में बता दिया गया है, भैया टेम्परेचर थर्मामीटर है ना, ये ऊपर कर दिया गया है। चलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलिकुलर मोशन, ये हमारे पास सॉलिड है ना, कोल्ड हॉट, मतलब अगर ठंडा है सॉलिड तो देखो पार्टिकल बिल्कुल पास पास है, थोड़ा मैंने गर्म कर दिया तो यहाँ पे हॉट के हॉट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पार्टिकल कैसे हो गए, बहुत दूर दूर हो गए। यही सेम किस किसका है, लिक्विड लिक्विड का हो रहा है, गैस में क्या है, यहाँ पे पार्टिकल बहुत नज़दीक नज़दीक है और हॉट मैंने किया तो पार्टिकल दूर दूर हो गए, ये बात आपको भी पता है, जैसे कभी चाय वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि लिक्विड है, जब ठंडा है ना तो पार्टिकल बहुत नज़दीक नज़दीक है ना, जब वो थोड़ा सा गर्म करेंगे, जब थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। सब्लिमेशन है ना, सब्लिमेशन में क्या होगा कि जब भी किसी में सॉलिड को गर्म करता हूँ और वो सीधा का सीधा वेपर में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज ना हो, तो उसको क्या बोलूँगा मैं, सब्लिमेशन बोलूँगा। जैसे कपूर देखते हो, कभी पूजा वगैरह करते हो देखते हो, उसमें कपूर को जब हम गर्म करते हैं तो लिक्विड में चेंज नहीं होता, डायरेक्ट ब्लैक कलर का धुआं देके ऊपर पहुँच जाता है ना। द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। इफ द सॉलिड कैम्फर, है ना, कपूर के बारे में जिक्र कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, इट चेंज इनटू वाटर, ध्यान रखना अमोनियम क्लोराइड है ना और सॉलिड कैम्फर, इफ द वेपर आर कूल्ड इट चेंज इनटू सॉलिड। ये यहाँ पे बर्नर लिया हुआ है, बर्नर के बाद चाइना डिश ली हुई है ये, है ना, उसके बाद इस चाइना डिश के अंदर हमने फिल किया हुआ है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ, जब मैं इसको यहाँ से टेम्परेचर दूंगा ये वाला, तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसकी वेपर ऊपर की तरफ होने लगेगी, और ये यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड सोलिडिफाइड, मतलब ये लिक्विड लिया हुआ था मैंने और उसके ऊपर मैंने यहाँ कोटन लगा दी, ये फनल ली हुई है ना, जिसको फूल बोलते हैं देसी भाषा में, ये यहाँ पर उल्टा करके मैंने रख दिया, इसके अंदर मैंने लिक्विड भरा हुआ है, इसको गर्म करूँगा तो इसकी वेपर ऊपर उड़ेगी। अब यहाँ से मैंने इसका रास्ता क्या कर दिया, बंद कर दिया इस कोटन से, है ना, इस कोटन से क्या कर दिया मैंने, इसका रास्ता बंद कर दिया इस वाली कोटन से, तो जाएगी तो नहीं, जो लिक्विड चेंज होगी वो मैंने यहाँ कलेक्ट कर ली थी, किस में मिल गया मुझको, सॉलिड में मिल गया। उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस है ना, व्हेन ए प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ए गैस ऑन पार्टिकल कम क्लोजर एंड द गैस चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ए गैस है ना, किसी भी गैस के ऊपर मैं प्रेशर को क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो जो गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं वो बहुत क्या होगा, नज़दीक आ जाएंगे, जब मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे। देखो ये जो चैम्बर है ना, इस फर्स्ट वाले चैम्बर के अंदर, देखो इस वाले चैम्बर की मैं बात कर रहा हूँ, इस चैम्बर के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो गैस के पार्टिकल दूर दूर है, ये चीज़ है, गैस के पार्टिकल दूर दूर है, अब मैंने ऊपर से इसको दबाया है तो गैस के पार्टिकल देखो बहुत क्लोज आ गए है ना, इसके अंदर बहुत क्लोज आ गए, ये आ गए ना, देखो जब मैंने दबाया तो क्लोज आ गए, क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस था वो क्या हो गया, कवर हो गया। वही सेम लिक्विड के साथ है, फर्स्ट वाले कंटेनर में देखो लिक्विड थोड़ा सा ज़्यादा है और मैंने इसको ऊपर से यहाँ से क्या कि नीचे की तरफ दबाया है, जो मैं नीचे की तरफ दबाऊंगा तो लिक्विड थोड़ा सा कम करेगा। तो ये कह रहा है द कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई ऑक्साइड है ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को मैं सॉलिड में चेंज कर लेता हूँ, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ याद रखना, कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस है ना, इफ द प्रेशर रिड्यूस इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, याद रखना इस चीज को। देखो इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ द मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, ये जो स्टेट होती है ना किसी भी मैटर की, सॉलिड लिक्विड और गैस, ये कैसी होती है, इंटर कन्वर्टेबल होती है, ये चीज क्या होती है, इंटर कन्वर्टेबल होती है, सॉलिड लिक्विड और गैस
देखो गैस से जा रहा है तो सब्लिमेशन हो रहा है ना, लिक्विड से ये जा रहा है तो क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, और गैस से फिर से हम लिक्विड को ये बना रहे हैं तो क्या बनना है, कंडेंसेशन बनना है। सॉलिड का फ्यूजन कर रहे हैं तो लिक्विड, सॉलिड का सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं तो क्या बनना है, सॉलिड। देखो यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अब कोई भी टेस्ट होगा तो सबसे पहले इसी वाले ग्राफ से ना वो आना है, इसी वाले ग्राफ से एक क्वेश्चन आना है, पूछा जाएगा कि सॉलिडिफिकेशन में किस में से क्या चेंज होगा, फ्यूजन में किस में से क्या चेंज होगा, वेपराइजेशन में क्या होगा, कंडेंसेशन में क्या होगा, सब्लिमेशन में क्या होता है, तो तुमको बताना। जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सब्लिमेशन क्या होता है, तो तुमको बताना पड़ेगा कि गैस को डायरेक्ट सॉलिड में जो चेंज करेंगे ना वो प्रोसेस सब्लिमेशन होगा। तुमसे पूछा जाएगा कि सॉलिड को लिक्विड में जो गैस, सॉलिड से जब गैस को बनाएंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो तुमको बताना पड़ेगा कि उसको सब्लिमेशन बोलेंगे। बात समझ में आई? गैस पूछ लेंगे दोनों तरीके, देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। तुमसे पूछा जा सकता है कि वेपराइजेशन क्या होगा, या तुमसे भी पूछा जा सकता है कि गैस को लिक्विड में चेंज करेंगे ना तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, और लिक्विड को गैस में चेंज करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। यहाँ 6 प्रोसेस तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं और 12 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ये चीज़ याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन आना ही आना है। देखो इवोपरेशन, इवोपरेशन में क्या होगा, डायरेक्ट द चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। ये बिल्कुल ऐसी कैसी याद रख लेनी है, बिल्कुल ऐसी कैसी है ना, वाष्प में चेंज हो रहा है, वाटर किस में चेंज हो रहा है, वाष्प में चेंज हो रहा है। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मेरे पास कोई भी लिक्विड है, अगर वो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पर डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, इवोपरेशन बोलूंगा। आगे चलेंगे, इवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, ये सरफेस पे होगा। देखो एक तो मैंने बॉइलिंग वाला भी प्रोसेस और इवोपरेशन, ये दो प्रोसेस ऐसे हैं जो किस पे होंगे, सरफेस पे होंगे, बल्क फिनोमिना होंगे, ये चीज़ याद रखना। एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि नीचे दे देगा प्रोसेस, वो पूछ लेगा कि सरफेस फिनोमिना कौन सा है ना, तो वहाँ पे इवोपरेशन दिया हुआ होगा। सरफेस फिनोमिना में तुमसे पूछ लेगा सोलिडिफिकेशन दे देगा एक ऑप्शन, एक फ्यूजन दे देगा, एक वेपराइजेशन दे देगा, ठीक है, और एक क्या दे देगा, इवोपरेशन दे देगा, तो वहाँ क्वेश्चन फंसेगा। तो इवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन एनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज टू वेपर स्टेट, फैक्टर अफेक्टिंग टू इवोपरेशन, है ना। क्या द रेट ऑफ द इवोपरेशन डिपेंड अपॉन द सर्फेस एरिया, देखो अगर सर्फेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। सरफेस एरिया ज़्यादा तो वेपोरेशन ज़्यादा होगा, अरे छोटा बर्तन लोगे तो कम वाष्प में मिलेगा, और बड़ा बर्तन में उबालोगे तो ज़्यादा बर्तन में ज़्यादा वाष्प बनेगा। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन, बात समझ में आई, इंक्रीज द टेम्परेचर इवोपरेशन। देखो भगोने के अंदर में सपोज करो चाय बना रहा था, ठीक है, कम टेम्परेचर मैंने लिया तो कम वेपर में चेंज होगा, ज़्यादा टेम्परेचर मैंने लिया तो ज़्यादा वेपर में चेंज होगा। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज इन द रेट ऑफ द इवोपरेशन, है ना, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। इंक्रीज द वाइंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन, है ना, हवा की स्पीड ज़्यादा होगी, इंक्रीज इन वाइंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ द इवोपरेशन। तो इवोपरेट होने का जो प्रोसेस होगा वो भी कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फैक्टर है ना, बिल्कुल ऐसे कैसे याद करनी, इन वाले फैक्टर की बात करो, ये भी हमको ऐसा कैसे याद करना है। ये इवोपरेशन है, देखो ये हमारे पास वाटर था, है ना, वाटर का मोलिक्यूल है, ये ऊपर की तरफ उड़ता हुआ दिखा दिया गया इवोपरेशन में। आगे की तरफ चलेंगे, हाई एनर्जी मैक्सिमम, ये सब चीज़ें पढ़ लेना आराम से समझ में। इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, है ना, वैन ए लिक्विड इवोपरेट द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इवोपरेट सो द सराउंडिंग्स बिकम कूल, ठीक है। एग्जाम्पल द प्यूपिल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ द ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग द इवोपरेशन द वाटर एब्जॉर्ब द हीट मा मेक्स द होट सरफेस कूल, ये पढ़ लेना आराम से, है ना। देखो जैसे वाटर है, यहाँ देखो, है ना, हाउ इवोपरेट कूलिंग वर्क, मतलब इवोपरेशन जो होगा वो ठंडा कैसे वर्क करेगा। देखो गर्म हवा आई यहाँ से गर्म हवा आई है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसके बात कर रहा हूँ, यहाँ से गर्म हवा इसके अंदर गई है, और ये क्या कूलर के अंदर जो लगा हुआ होता है, इसके अंदर हवा जब इसके अंदर से निकली होगी, मतलब जब ये वाला केस हुआ होगा, है ना, तो यहाँ से ठंडी हो गई होगी हवा, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ये कूलर का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है जो आजकल यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे देखो ये डिटेल में पढ़ लेना, इसको थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है इसका, है ना, हाउ इवोपरेट कूलिंग वर्क, ये लिखा हुआ है, तो वो मेवर यहाँ जा रहा है, वाटर है 18 से 25 टेम्परेचर इसने कर दिया है, बस यही है। तो इट इज़ सफिशियंट फॉर टुडे आई थिंक।